हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट दिस आई वॉज टू लर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओटर. व्हाट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओटर डज द ऑथर लर्न? ओटर क्या होता है? हम इसे हिंदी में ऊद बिलाव कहते हैं और ये कुछ कुछ नेवले जैसा दिखाई देता है. तो ऑथर ये लिखता है कि ये ओटर की एक विशेषता है जो मुझे जिसको मुझे सीखना चाहिए था या मैंने अभी ये चीज़ सीखी है. ऐसी कौन सी स्पेशल विशेषता थी ऑथर की जो ऑथर ने अभी अभी सीखी है? लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट. ऑथर लर्निंग द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑथर. ऑथर की एक स्पेशल विशेषता थी जो ऑथर सीखता है. ऑथर्स लाइक दैट अ बोल ऑफ वाटर मस्ट बी ओवरटर्न्ड एट वंस और इट शुड बी Splashed in until it overflows. ओटर्स को क्या चीज़ पसंद होती है कि जो पानी का जो प्याला होता है उसको ओवरटर्न कर देना, यानी कि अपसाइड डाउन पलट देना. उनको उस प्याले को पलट देना उनको अच्छा लगता है. और उसमें तब तक स्प्लॉश्ड का मतलब क्या होता है, जब हम पानी में छप छप का साउंड करते हैं तो तब तक करते रहो जब तक कि वो ओवरफ्लो ना हो जाए, मतलब पानी उससे बहने ना लग जाए. दे डोंट लाइक स्टैटिक वाटर बट वॉन्ट इट टू बी केप्ट ऑन द मूव. उनको स्टैटिक वाटर पसंद नहीं है. स्टैटिक का मतलब जो बह नहीं रहा है, मतलब एक जगह पे है, स्थिर है बिल्कुल. तो उनको स्थिर पानी नहीं पसंद है. उनको कैसा पानी पसंद है जो कि मूव कर रहा हो, बह रहा हो. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच.